आगे सवाल है हमारे पास टाटा स्टील के बारे में, और कमल पुगलिया जी जानना चाहते हैं, टाटा स्टील इन्होंने ले रखा है, 1500 शेयर इनके पास हैं, 95 का भाव है, और ये कह रहे हैं कि रख सकते हैं लंबे समय तक अगर वैसा मूड बने तो, या वैसी राय बने तो। देखिए कमल जी, ऐसा है कि टाटा ग्रुप कंपनीज में मोर देन एनी पर्टिकुलर सेक्टर एक डिफरेंट यूफोरिया बन रहा है, वो मोनेटाइजेशन का, ग्रुप की कंपनीज का, जिस तरह आप देख रहे हैं, या मल्टीपल आईपीओस का, अलग अलग कंपनी के लिस्ट कराने का, वैल्यू अनलॉकिंग का। उस केस में आपका बियॉन्ड फंडामेंटल्स भी बहुत सारे इनके ग्रुप कंपनीज के स्टॉक्स चल रहे हैं, ओके। उसमें भी टाटा स्टील भी मेरे हिसाब से बहुत एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे चल रहा है, मैं किसी भी पैरामीटर पे देखने की कोशिश करूँ तो। इसलिए मुझे वैल्यूएशंस के हिसाब से ये महंगा लगता है, लेकिन सेंटिमेंट के हिसाब से टाटा ग्रुप की कंपनीज में कोई भी अभी बस ऐसे ही खरीद ले रहा है, तो सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है टाटा ग्रुप की कंपनीज का, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे कोई भी। टाटा स्टील में अब आपको कितने समय तक बने रहना है वो आप समझ लीजिए, लेकिन मैं इसके वैल्यूएशंस मुझे तो बहुत ही डिसकंफर्टिंग लगते हैं। जब तक मोमेंटम है रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम नहीं है जी तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यूएशन फेवर में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी लेकिन सोमेश, यहाँ पे हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि वैल्यूएशन इस तरह के क्यों दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं कि जो पहले इनका प्रॉफिट का ट्रेंड था, एक तिमाही में इनका मुनाफा है वो 10,000, 12,000, 7,000 इस दायरे में आता था, फिर वो बीच में घाटे में भी चले गए, मिडल का साइकिल है, उसके बीच में उनको एक दौर वो देखना पड़ा, और अब उस घाटे से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिछली तिमाही का रिजल्ट ये कहता है, अगर वो ट्रेंड हमें मार्च तिमाही में भी एस्टेब्लिश होता हुआ दिखता है तो फिर क्या ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ ठीक है, आज आप अगर पिछले 12 ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें इनका, तो आपको कहाँ से उसमें वैल्यूएशन नजर आएगा, क्योंकि एक तिमाही में आपने 2,500 करोड़ रुपए का घाटा उठाया दिसंबर वाली तिमाही में, उसके बाद फिर अभी सितंबर वाली तिमाही में आपने 6,500 करोड़ रुपए का घाटा उठाया, आपको ट्रेलिंग 12 मंथ में इनकम कहाँ दिख रही है? तो वैसे में पीई मल्टीपल देख करके हम कैसे इसके वैल्यूएशन को समझें? जी मैं पी मल्टीपल की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, पी मल्टीपल से यहाँ पे कोई फिगर आउट नहीं कर पाएगा, बिकॉज स्टार्ट 90 टाइम्स तो खैर कभी देखने का मतलब ही नहीं बनता है टाटा स्टील का प्राइस अर्निंग मल्टीपल। ये नॉर्मली 5, 10, 12 ये सब रेंज में प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इसके रहते हैं। लेकिन ऐसा है कि मान लेते हैं कि इसका जो पीक प्रॉफिट है, अगर आप पिछले 10 साल का भी रिजल्ट उठा के देखेंगे, और 10 साल में आपका पीक प्रॉफिट आप 17,000 करोड़ के आसपास का आपका एक साल का दिखता है, 18,000 करोड़ के आसपास का। अभी आपका ईयरली अभी भी लॉस से आप बाहर नहीं निकल पाए, ओके। तो आप यहाँ से अगर लॉस से बाहर निकल भी जाते हैं, तो पीक पे आप 18,000 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप कमा भी लेते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप वैल्यूएशन को नॉर्मल करेंगे तो भी वो 15-20 टाइम पे ही आके रुकेगा, 20 टाइम से ज़्यादा कम नहीं हो जाएगा। और स्टील कंपनीज के लिए, सिक्लिकल कंपनीज के लिए 20 टाइम वैल्यूएशन यहाँ पे देना तो बहुत महंगा होगा मेरे हिसाब से। तो मैं ये ट्रेलिंग के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, वो नंबर्स को जब आप बिठाएंगे, फ्यूचरिस्टिक नंबर लगाएंगे, तब भी आपको ये बहुत महंगी कंपनी दिखेगी। जी तो कुल मिलाकर के अभी मतलब ये है कि 95 का लिया हुआ इनके पास, इंटरेस्टिंग ये है कि जो इनका स्टॉक प्राइस है ना उसमें तो मतलब इनके लिए अपने आप में कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, तो क्या कहीं पे इन्हें कुछ पूंजी निकालने की भी बात सोचनी चाहिए? अगर वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं बन रहा है, आपने बहुत नीचे खरीदा हुआ है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या कुछ पैसा निकाल करके कहीं और लगाने की सोचनी चाहिए इनको? मैंने जैसे कहा कि अभी सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी, तो अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो उसको राइड कीजिए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आप कोई जस्टिफाई करने जाएंगे फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो आपका हो सकता है रन मिस भी हो जाए, मैं तो नहीं कर पाता ऐसा। लेकिन अगर आपने करना है तो आप इसको देख सकते हैं कितना, तो 95 पे लिया गया। प्रॉफिट प्रोटेक्शन की हाँ रणनीति के हिसाब से कौन सा स्तर देखना पड़ेगा? होनी चाहिए, मुझे लगता है कि 125 पे इनको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके पहले तो कोई खास
लेवल ऐसा दिखता नहीं है, बिकॉज 50 DMA पे ऑलमोस्ट आसपास सेटल हुआ है, सेलोन राइज का स्ट्रक्चर है, जी पॉसिबिलिटी 125 के तरफ की हो सकती है, लेकिन उसके बाद ही इसका सारा मोमेंटम जाता है, उसके पहले नहीं जाता। जी मतलब 200 डे मूविंग एवरेज छूटे उसके बाद फिर दिक्कत हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए जी